ज़्यादा अंग्रेजी बीट लोगों से हम बात नहीं करते। तुम्हें कोई हक नहीं लगता पड़ता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा प्लान क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आज हमारी सुबह हुई थी 3 बजे, दोपहर के 3 बजे आज हमारी सुबह हुई है। तो आज मुझे बाहर जाना था, मुझे मेरे भाई के साथ कुछ काम से जाना था। कुछ बहुत एक्साइटिंग हो रहा है जो मैं आपको डेली बताती रहूँगी। मेरे भाई ने मुझे डिच कर दिया है तो आज वो नहीं जाना चाहता है कहीं बाहर। तो कोई बात नहीं, हम लोग कल चले जाएंगे। और आज का जो प्लान है, आज का रेस्ट का प्लान है, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर जा रही हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। तो अब आई एम गोना रेस्ट फॉर 2 डेज। और कौन आया है? और हमारे पास नैन्सी आई है, ये ओके। तो अभी का प्लान ये है कि अभी हम मैंने खाना खा लिया है उठकर, और मैंने व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है क्योंकि मुझे आज भी नहीं पता था कि मुझे व्लॉग शूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट सोच लिया है तो चलो बना ही लेते हैं, क्या 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 ही। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ रात के खाने के लिए मिर्ची तोड़ने, जो कि हमारे गार्डन में है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और फिर हम बनाएंगे चाय, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। और फिर हम लोग वॉक करने जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी बिल्कुल वॉक नहीं करती हैं, बट उनको वॉक करना चाहिए। और मेरा भी वो है, मेरा भी काइंड ऑफ लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप था कि आई वॉन्ट टू बी एक्टिव। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन 10,000 स्टेप्स पूरे कर लूँ। सो वी हैव टू टेक इट 1 डे एट अ टाइम, बट आई एम गोना डू इट। लेट्स गो। तब हम चल रहे हैं और नैन्सी आगे चल रही है, हम लोग हमारा जो गार्डन है उसकी तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए कि जो हमारा गार्डन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि पहले जब मेरे फादर थे तो वो उसका पूरा ध्यान रखते थे। बट जब से हमारे हवाले सब कुछ हो गया है तो हम लोग इतना कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वेल इट इज़ हार्ड सब कुछ एक साथ, सब हर चीज़ को संभालना, तो इट्स थोड़ा सा हार्ड। बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक अब जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था प्लांट्स को संभालना, बट अब अगर थोड़ा मौसम सही हुआ है तो आई थिंक हम लोग कुछ कर सकते हैं इस बारे में। ऑल्सो ये है हमारा मिर्ची का प्लांट। तो अब हम यहाँ से, मैं ये लेकर आई हूँ और हम लोग यहाँ से थोड़ी मिर्ची तोड़ने वाले हैं। एंड आई एम टेलिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है हमने इनफ मिर्ची ले ली है। एंड आई हैव टू टेल यू, इस मिर्ची की खुशबू इतनी अच्छी है, और खुशबू अच्छी है वो ठीक है, बट ये इतनी तीखी है। बट आई लव मिर्ची, लाइक जो खुद के घर की मिर्ची होती है उसकी तो कुछ बात ही अलग है। तो या आई थिंक अभी हम लोग, जब हम लोग अपने गार्डन में थोड़ा बहुत काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जेन्युइनली खुद से काम करना चाहती हूँ, अपने गार्डन को खुद संभालना चाहती हूँ। आई डोंट वांट कि हम किसी को बुलाकर उनसे काम करवा लें, और यू नो मतलब उसमें कोई पर्सनल टच नहीं है, तो मैं खुद से करना चाहती हूँ। तो वो भी हम करेंगे बहुत जल्द। बट फॉर नाउ हमने मिर्ची ले ली है, और जो हमारे इसकी हालत हो रही है बुरी, उसे हम सही कर देंगे। और नैन्सी यहाँ पर ज़्यादा, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है। नैन्सी हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है घूमने फिरने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो जो अभी मैंने मिर्ची ले ली है इसकी, ये बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, तो मैं तो हर चीज़ में डाल के खाती हूँ। तो अब हम जाएंगे चाय बनाएंगे, और चाय बनाने के बाद हम जाएंगे छत पे वॉक करने के लिए। तो हम अंदर आ चुके हैं घर के अंदर, और अब हम चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम चाय बनाएंगे तो साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। मुझे अपने हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद के लिए चाय बनाती हूँ, मुझे दूसरों के लिए चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम पहले चाय बनाएंगे और हम ऑब्वियसली साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपना बर्तन चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा दूध डालेंगे। पहले हम इसको धीमे कर देंगे बिल्कुल, और अब इसके अंदर हम डालेंगे
कई लोग उनकी चाय में पानी डालते हैं, मुझे पानी डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बहुत सारी चीनी, क्योंकि डायबिटीज़ से मरना भी ज़रूरी है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही चढ़ा रहने देंगे, तब तक हम वापस आके बात कर सकते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सब सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये ऐसी क्यों दिख रही है, क्योंकि ये मेरा मन कर गया। तो अब हमें लग रहा है क्योंकि हमारी चाय में थोड़ा कलर आ गया है, तो हम इसे थोड़ा सा उफान कर, और ये ऑफ कोर्स अगर मैं किचन में हूँ तो कुछ गिरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम थोड़ी देर तक ये करते रहेंगे। तो हमारी चाय बन गई है और अब हम चाय पीने के लिए भी तैयार हैं। धुएं उड़ रहे हैं। तो चाय पीने का जो है कोई और तरीका नहीं है, यही तरीका है चाय पीने का। इसी से चाय जल्दी ठंडी होती है और ज़्यादा अंग्रेजी बीट लोगों से हम बात नहीं करते। मेरी मम्मी सुन के हंस रही है। बिना चश्मे के तो मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, क्या मुझे बिना चश्मे के बनाना चाहिए मम? ये क्या था लालू, व्हाट वाज दैट? कुचू कुचू। अभी मम्मी ने नंसी को कहाँ से निकाला है, बताओ बताओ बताओ। देखेगी मेरी मम्मी, मम्मी मम्मी पहली छुप गई है देखकर। मामा क्या हो गया, आप देखना क्यों नहीं चाहती हैं? क्या हो गया, आप इतनी खूबसूरत है फिर आप देखना नहीं चाहती हैं? दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। तुम्हें कोई हक नहीं लगता पड़ता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। तो अब ये है कि हम लोग छत पे आ चुके हैं वॉक करने के लिए। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव रियलाइज कि बहुत टाइम से आई हैव नॉट बीन एक्टिव बिकॉज लाइक आई हैव बीन गोइंग थ्रू सम स्टफ, सो आई जस्ट कम्प्लीटली लेट गो ऑफ माई सेल्फ। तो आई स्टॉप वर्किंग आउट, आई स्टॉप ईटिंग हेल्दी, आई स्टॉप डूइंग बेसिकली एवरीथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग इन माई लाइफ इन जनरल। बट अब मैंने सोचा है कि वन डे एट अ टाइम करके हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ें शुरू कर देंगे। तो लाइक द फर्स्ट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ बी एक्टिव अगेन, सो आई एम ट्राइंग टू बी वेरी वेरी एक्टिव। तो आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग एवरी डे। तो हम लोगों ने कोशिश करा है क्योंकि, और मेरी मम्मी को भी फिट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तब हमने कोशिश करी है कि मम्मा धीरे धीरे चलें और थोड़े स्टेप्स चलें और मैं अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लूँ। तो मम्मी हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 5,000 स्टेप्स पूरे हो जाएँ एक पूरे दिन के। तो और फिर उसे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको हम बढ़ा देंगे। बट फॉर मी आई थिंक 10,000 इज़ गुड इनफ एंड आई शुड डू इट, तो आई एम गोना डू इट। तो फिर आज वैसे कुछ खास था नहीं पूरे दिन में करने के लिए, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड कि कभी कभी अगर आपकी बॉडी आपको रेस्ट मांग रही है तो वाई नॉट गिव इट रेस्ट। लाइक ये जो टॉक्सिक कल्चर है कि हमें कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करना चाहिए, हमें कुछ भी करते रहना चाहिए, आप खाली नहीं बैठ सकते, आई डोंट बिलीव इन इट। आई बिलीव कि अगर आपकी बॉडी कह रही है कि भाई मुझे माफ़ करो, मुझे रेस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली इट डिज़र्व्स द रेस्ट। सो आई डोंट फील लाइक आपको अर्न करने की ज़रूरत है कि अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आपको कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा फिर आप रेस्ट करोगे। आई डोंट बिलीव इन इट। इफ़ आई वॉन्ट टू रेस्ट आई एम गोइंग टू रेस्ट। सो आज हमारा रेस्ट डे हो चुका है ऑटोमेटिकली। आई नीडेड इट ऑल्सो, बट ऑल्सो बिकॉज माई ब्रदर जस्ट कम्प्लीटली बैक्ड आउट। अब वो जब ये व्लॉग देखेगा तो उसे पता चलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हम लोग आज बाहर नहीं गए हैं, ठीक है? और तो कल का जो व्लॉग होगा आई थिंक हम उसमें, कल तो बहुत कुछ है पूरे दिन में करने के लिए तो हम वो भी करेंगे, बट आज के व्लॉग में आई थिंक ये है। और अब हम रात को खाना खाएंगे। तो क्या मम्मी आज कुछ अच्छा बनाएंगे? कुछ अच्छा
ठीक है, तो मम्मी कह रही तो चिकन बनाएगी, तो हो सकता है क्योंकि कोई चिकन नहीं खाता, मैं अकेली खाती हूँ, तो फिर मेरा पूरा टाइम निकल जाता है बनाने में और खाने में और ये सब करने में। तो नैन्सी, आप यहाँ पर क्यों बैठ गए हो, आप वॉक क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। क्या आदत है आपकी? ओ फैंसी नैन्सी। हेलो हेलो मैम, बताइए आप क्या हो गया है, आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, वॉक क्यों नहीं कर रहे हो आप, हैं? आपको अपने स्टेप्स पूरे नहीं करने, आपको हेल्दी नहीं रहना, जल्दी बताओ। नैन्सी ये भाड़ में जाओ। ओके जाते हैं फिर। ओके सो हम आ चुके हैं अपनी वॉक करके, मैंने अपना गोल पूरा कर लिया है, मेरी मम्मी ने अपने गोल से 1000 स्टेप्स और ऊपर कर लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज का दिन बहुत वैसे मोस्टली लेजी डे रहा है, ऑल्सो मेरे रोजेज भी मुझे और मिले हैं। आई थिंक आज हम व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी बस हमें खाना खाना है और आज कुछ भी नहीं करना है, तो कल हम मिलेंगे और कल तो हमें बहुत कुछ करना है, कल बहुत बिजी डे रहने वाला है, तो कीप वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल और इसे धमकी समझना 100%।